भाई उसी के साथ मैं बताऊं तो आज मैं बहुत दिनों बाद कैमरे के सामने आया हूं और आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। और मैं बताऊं तो अभी मैं तीन चार बंदों के साथ इधर इकट्ठा हुआ हूं और हम लोग अभी आरपीजी बनाने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा शौक गए होंगे, जैसे मैं अभी चौक गया हूं। पर अभी हमने सारा मटेरियल तैयार कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या मटेरियल चाहिए आरपीजी बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये आप देखेंगे यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि कैल्शियम कार्बाइड है। और ये पाइप है जो कि 110 mm का, और आपको चाहिए 150 mm का पाइप। और एक तुम्हें जॉइंट करने के लिए चाहिए, और ये थोड़ा सा आप देखेंगे इसका बाद में यूज़ कैसे है, इसको कटने के लिए। और फेबी बॉन्ड भी चाहिए होगा इसको जोड़ने के लिए, जो कि आपको देखें इसमें लाइटर की आवश्यकता है, पानी की ज़रूरत है, और छोटे मोटे जो सामान चाहिए आपको इन सब की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम पूरा जब इसको सेटअप करेंगे तो आप देखेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस आरपीजी को बनाने के लिए। और मैं पहले अब ये बता दूं तो मेरे इस ग्रुप में तीन बंदे हैं अभी तक, अभी नहीं तो और एक दो और ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, कि मैं आपको अब मिला देता हूँ कौन कौन हमारे साथ। हमारे साथ एक तरफ प्रिंस है और एक तरफ आदित्य, जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं। मैं सिर्फ छोटा मोटा काम देख रहा हूँ, पर बाकी इसी ने लीड करा इस पूरी टीम को, इस पूरे को प्रोजेक्ट को। तो आओ चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं हटा सकता हूँ ऐसे आवाज बोल सकते हो। हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, याद है तब बन गया है। इधर आके बताओ हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। जरा लाइटर पास करिए उधर, आपको ज़्यादा समझ पता है। अब मेरे पास आओ कैमरा लेके देख लीजिए और मेरी तरफ। दोस्तों अभी मैं बताऊं तो आपको, हम लोग अभी इसको इसके साथ सेट करेंगे कि इधर से हमें थोड़ा सा इसको लाइटर से थोड़ा सा आग निकलेगी, जो कि मेन काम है यहाँ पर अंदर की तरफ आग देना। तो हम लोग लाइटर को भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर डाल के इसको सेट करें, और इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमें ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं। ओ भाई दोस्तों, और अभी हेलो दोस्तों, और अभी मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्सपेरिमेंट रहा ये, जिस जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे बियॉन्ड था ये, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई थी। और मैं उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा चैनल पे, तो आप बिल्कुल ही देखना, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि हमने कैसे बिल्कुल इधर मिसाइल टाइप का बना लिया। इधर पबजी से थोड़ा सा आइडिया लिया, और ये पूरा आइडिया आदित्य ने लगाया था, और थोड़ा इसका केमिस्ट्री तो मुझे पता ही है। मैं थोड़ा आपको इसकी केमिस्ट्री बता दूँ तो हमने इसमें कैल्शियम कार्बाइड डाला था, और इसमें वाटर के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन बना था, और इथाइलिन को जब हमने एंड देन गैस बाय बॉटल ब्लॉकिंग, और फिर हमने एक तरफ एक छोर पे बोतल लगाया था, और हमने जब इसको चलाया तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके बियॉन्ड था। इतनी तेज आवाज आई कि पांच छह लोग इधर घर के आ गए कि क्या बजा रहे थे। और वीडियो बहुत अच्छी बनी दोस्तों, और मैं पूरी टीम को इसके साथ थैंक्स बोलना चाहूंगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को जल्दी करा, और मैं इस वीडियो को जल्दी डालूंगा। दूर से दिखाते एक बार पूरा वो ये स्कोप है, और ये हैंडल मतलब क्या स्टैंड है, जो कि स्टैंड, और ये हमने यहाँ पे एक और ये दो कील लगाई लगा रखी है, जो यहाँ पे बॉटल ब्लॉक हो जाती है और एयर बनता है भाई। हेलो दोस्तों, और आज की डेट है 25 अक्टूबर 2020। आज मैं बताऊँ तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसिडेंस हुआ है, कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करी, जिसके वजह से आज मैं अंधा होते होते बच गया हूँ। आज का दिन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि
आज ऐसे ही हुआ था कि मैंने आज पूरे दिन भर मिर्ज़ापुर देखा और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एक बच्चे के साथ मैंने सोचा कुछ एक्टिविटी करता हूँ, और उसके चक्कर में मेरे लोड़े लगते लगते बच चुके हैं और मैं बता नहीं सकता हूँ यार दोस्तों। अगर मैं इसको बताऊँगा तो क्या होगा कि आज क्या हुआ कि हमने एक RPG टाइप का कुछ बनाया था और उसके साथ ये हुआ कि वो मेरे आँख के पास फट गया था, और मैं शायद से भगवान का शुक्र बोलूँगा या फिर लक बोलूँगा अपना चांस कि जिसकी वजह से मेरी आंखें बच गई है। पूरा यहाँ पे पूरा जलन कर रहा है अभी भी, और मैंने दवाई खरीद के लगा लिया। अब देखो 3-4 दिन के अंदर क्या होगा। जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि मतलब जो वो इंसिडेंस था कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे सामने कुछ फटा था, और मैं महसूस कर सकता हूँ उस फीलिंग को कि मतलब कितना डेंजरस था वो मेरे लिए, कि मैं एक टाइम के लिए शॉक हो चुका था। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उस एक दो जो इंसिडेंट्स के सामने मेरे साथ हुआ था। मैं अब मेरा फेस काफ़ी ठीक लग रहा है। मैं बताऊँ तो यार मेरे बाल पूरे जल चुके हैं इधर से, और जो कि मैं कल इस चीज़ का प्रेशर करने के लिए मैं गंजा हो जाऊँगा कि मुझे याद रहे कि ये बच्चों वाली हरकतें मुझे छोड़ देनी चाहिए। शायद से मुझे मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा गाइड भी करा था कि ये सब मत कर, पर मैं फिर भी करता रहा, जो कि काफ़ी बुरा था यार वो मेरे लिए।